हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस का चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर, इसके कीवर्ड्स एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे आसपास जो भी हवा है वो भी हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है, तो ये जो प्रेशर है इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? फोर्सेस व्हिच आर एग्जर्टेड ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स कहलाते हैं जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पे कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, टच में है, तो ऐसे फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन आर एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या है? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मींस जो हम अपने मसल्स के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं। सपोज आप किसी डोर को ओपन करने के लिए उस पे जो फोर्स लगा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, डोर को टच करके कांटेक्ट में आ रहा है डोर आपके, उसके बाद उसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स है। इसी तरीके से फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? जब कोई भी चीज ट्रेवल कर रही होती है तो उसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। मींस अगर एयर है तो एयर उससे टकरा रही है, वो फ्रिक्शन क्रिएट कर रही है। वाटर है तो वाटर उसमें फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, तो ये भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इट इज एक्सर्टेड बाई अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज आर अनचार्ज बॉडी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, जो कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है फिर भी फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है वो जब किसी दूसरे उसके अपोजिटली चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है तो क्या करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है। अगर अपोजिटली चार्ज है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज है तो उसको रिपेल करेगा। जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, इसमें क्या किया है, एक पेपर स्ट्रॉ को आपने बीच से कट किया, एक को आपने टेबल से ऐसे लटका दिया और दूसरे पेपर स्ट्रॉ को आप क्या करते हैं, किसी चीज से रब करते हैं, किसी पेपर से या आपके जो क्लॉथ है, क्लॉथ का पीस है उससे रब करते हैं, तो क्या होगा, ये स्ट्रॉ का पीस जो है चार्ज हो गया है। अब ये जो सस्पेंडेड है इसको सस्पेंड क्यों किया है, ताकि ये फ्री रहे मूव करने के लिए। जब आप इस स्ट्रॉ को इस स्ट्रॉ के पीस के पास लेके जाते हैं तब ये क्या होता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, मीन्स एक फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और ये एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, इसके कॉन्टेक्ट में नहीं भी आ रहा है तब भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट फोर्स क्या है? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। देखिए, किसी भी चीज को हम पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं या पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जो ये पुश है या पुल है यही एक फोर्स है। जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, बॉयज इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसको हम पुल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरीके से मैग्नेट क्या है, मैग्नेट जब अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मींस क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को या अपनी तरफ खींच रहे हैं, और जब सेम पोलैरिटी के आप एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो फोर्स की एक सिंपल सी डिफिनेशन है, इसको रट लीजिए, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। नेक्स्ट, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। ये क्या होता है, जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अगेंस्ट ये फ्रिक्शन क्रिएट होता है। कैसे? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप पुश कर रहे हैं इस साइड में पुश कर रहे हैं, तो इसका मूवमेंट किस साइड में होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा। जब इस डायरेक्शन में मूवमेंट है तो इसके अपोजिट मीन्स इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे।
इसमें फ्रिक्शन फोर्स किस किस वजह से आ रहा है? एक तो ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर जब ये आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये सरफेस भी इसको क्या करेगी, एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगी और इसको ये फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। ओके, अब इसी तरीके से अगर एयर में कोई चीज ट्रेवल कर रही तो एयर का भी फ्रिक्शन हो सकता है, वाटर में ट्रेवल कर रही तो वाटर का भी फ्रिक्शन हो सकता है। तो इस तरीके के फोर्सेस जो हैं वो क्या कहलाते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्सेस। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एन अट्रैक्शन फोर्स पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए यहाँ फोटो में आप देख करके समझ रहे होंगे, ये न्यूटन की फोटो है, इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले जाना था और लोगों को बताया। क्या हुआ कि एक एप्पल जो है ट्री से जब गिरा तो उन्होंने ऐसा सोचा कि एप्पल नीचे की ओर ही क्यों गिरा, वहीं पर क्यों नहीं रुका रहा या ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया। तब फिर जब उन्होंने इस बारे में पता किया तब क्या बताया उन्होंने कि एक अट्रैक्शन फोर्स होता है अर्थ में। ओके, इवन हर प्लेनेट का होता है, जब हम अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। क्या होता है, एन अट्रैक्शन फोर्स पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक खींचती रहती है, अपने सेंटर की ओर। इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इसी की वजह से सारी चीजें अर्थ की तरफ टुवर्ड्स अर्थ जो है मूव करती हैं। अगर ऊपर से आप कोई चीज फ्री हैंड छोड़ देंगे तो वो नीचे अर्थ की तरफ ही भागेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट ग्रेविटी क्या है? एन अट्रैक्शन फोर्स पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कीवर्ड्स में पढ़ा था, सेम डिफिनेशन आपको ग्रेविटी के लिए भी लिखनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स कह लीजिए या ग्रेविटी कह लीजिए, एक ही चीज है। ओके, जो फोर्स हमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, इस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। मीन्स ये देखिए हमारी अर्थ है, ये चारों ओर से हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि सारी चीजें उसी की तरफ, उसके सेंटर की तरफ जाएं। ओके, तो इसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं। दिस इज द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हर प्लेनेट की अपनी एक ग्रेविटी होती है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? द अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। मैग्नेट्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि मैग्नेट क्या है, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही अट्रैक्ट करने लगते हैं या उसको रिपेल करने लगते हैं। ओके, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो मैग्नेट उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आया लेकिन फोर्स उसने अपना क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो मैग्नेट्स के थ्रू जो फोर्स लगता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और क्योंकि मैग्नेट के फोर्स कॉन्टेक्ट में आने से पहले ही फोर्स क्रिएट होने लगता है इसलिए हम इसको नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स भी कहते हैं। यहाँ देखेंगे तो मैग्नेट क्या है, ये दोनों पोल्स अपोजिट पोल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब एक सर्टेन डिस्टेंस पे आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि एक फोर्स क्रिएट होगा और ये वाला मैग्नेट इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसमें सेम पोलैरिटी के हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जब आप इसको इसके पास ले जाने की कोशिश करेंगे तो ये इससे दूर हटता रहेगा। ओके, नेक्स्ट मस्कुलर फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं उनके थ्रू जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स से कॉन्टेक्ट फोर्स है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, इस बुलक कार्ट में कौन फोर्स लगा रहा है, ये जो बुलक्स हैं बुल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, अपनी मसल से इस कार्ट को खींच रहे हैं। तो यहाँ पर इनकी मसल्स के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसको हम मस्कुलर फोर्स बोले। यहाँ देखिए कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक रोप को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे अपनी बॉडी में मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगा रहे हैं तो इस फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहेंगे। ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, मसल्स के थ्रू ये फोर्स ट्रांसफर हो रहा है इस रोप में।
अगर कांटेक्ट में है तभी ये फोर्स ट्रांसफर होगा, कांटेक्ट में नहीं होगा तो फोर्स ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं? अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट देयर कांटेक्ट। कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के टच में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फोर्स है, ये भी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आती है तो वो भी एक फोर्स क्रिएट करती है, ये भी एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट, प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स एंड प्रेशर का हमारा चैप्टर है, तो फोर्स को भी समझना है हमें अच्छे से और प्रेशर को भी समझना है। प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ये डेफिनेशन है इसकी और इसको एकदम रट लीजिए, आपको आगे भी बहुत याद आएगी, या मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, इसकी इक्वेशन क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मींस पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसकी एक और सिंपल सी डिफिनेशन है, दोनों में से जो आपको याद हो जाए। दूसरी क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। चाहे तो इसको याद कर लीजिए, चाहे ऊपर वाली याद कर लीजिए, दोनों के इक्वेशन सेम है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसको समझाता हूं कि प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं या प्रेशर क्या है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। यूनिट एरिया से सब पहले समझिए, एरिया मीन्स किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक एरिया होता है, जैसे उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। आप जानते हैं अगर ये एल है और ये इसकी ब्रेड्थ है बी, तो इसकी इसका एरिया क्या हो गया? एल इंटू बी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर हमें मेजर करना है। यूनिट एरिया मींस अगर हम इस एल को 1 मीटर रख दें और बी को भी 1 मीटर रख दें तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारा एरिया 1 मीटर स्क्वायर, इसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट एरिया। ओके, तो पर यूनिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई होगा, आप इस 1/1 स्क्वायर मीटर पे जितना फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स को हम प्रेशर बोलेंगे। अब एरिया अगर ज्यादा हो रहा है, सपोज कोई बड़ा सा ब्लॉक है उसका एरिया 12 मीटर स्क्वायर है। 12 मीटर स्क्वायर मीन्स सपोज इसकी लेंथ थी 4 मीटर और ब्रेड्थ थी 3 मीटर, 4/3 का एक आपका स्क्वायर था। कोई भी प्लेट थी लोहे की या आपकी लकड़ी की, उसके ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे थे, तो कितना प्रेशर क्रिएट होगा कैसे जानेंगे? एरिया आपका है 12 मीटर स्क्वायर। अब आपको अगर फोर्स बताया जाए कि कितने केजीएफ का फोर्स लगाया, तो जो भी फोर्स आपका है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रेशर आ जाएगा। ओके, जो भी आपको फोर्स पता चल गया और एरिया पता चल गया, तो एरिया पर यूनिट एरिया निकालना है, एरिया से डिवाइड कर दीजिए, आपका प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन हमारा जो है फोर्स हो गया, न्यूटन फोर्स की यूनिट, और पर मीटर स्क्वायर मींस पर यूनिट एरिया। ओके, तो प्रेशर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे जो भी क्लासेस आपकी 9, 10, 11, 12, हर जगह प्रेशर यूज होना है और आपको इसकी कैलकुलेशन भी करनी होगी। पुल। What is pull? The direction of force towards you is called pull. आप कहीं जाते होंगे शोरूम वगैरह में, कांच के दरवाजे लगे होते हैं, उसमें push and pull लिखा होता है या सिंबल भी बना होता है। पुल का मतलब क्या है? जब आप फोर्स से किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो इस फोर्स को हम पुल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, push. What is push? The direction of force away from you is called पुश। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स देके अपने से दूर हटाने की या धकेलने की कोशिश कर रहे हैं तब उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? दैट फोर्स इज कॉल्ड पुश फोर्स। ओके, चलिए कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश
और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी दो एग्जांपल्स देने हैं जिसमें एक तो पुश फोर्स से रिलेटेड और दूसरा पुल फोर्स से रिलेटेड, बट ये दोनों कर क्या रहे हैं, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर रहे हैं। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पहले समझते हैं क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशंस क्या है, एक तो मोशन के स्टेट क्या है, सबसे पहले जो है स्टैंड स्टिल है, मींस उसमें कोई मोशन नहीं है, एट रेस्ट है, ओके। दूसरा क्या है, मूविंग है। तो ये दो ही मेन है, ओके। तो हमें कोई भी ऐसे पुश और पुल के एग्जांपल देने हैं जिससे हम कोई स्टैंड स्टिल या रेस्ट में चीज है वो मूव करना शुरू कर दे, या कोई मूविंग चीज है वो रुक जाए, या तीसरी और एक सिचुएशन हो सकती है, जो चीज मूव कर रही है वो अपने मूवमेंट की स्पीड को कम या ज्यादा कर दे। कोई भी चीज धीरे धीरे मूव कर रही थी, आपने एक और फोर्स लगाया और वो तेजी से मूव करने लगी, या कोई तेजी से मूव कर रही थी चीज और आपने एक फोर्स लगाया और वो स्लो हो गई। तो ये तो स्टेट ऑफ मोशंस हैं जो चेंज होने हैं आपके पुश और पुल के थ्रू। अब हम आंसर देखते हैं और इसको समझते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पुश फोर्स, पुश फोर्स के थ्रू हमने कहां पर क्या चेंज किया देखते हैं। पहला क्या है, ए बेबी प्राइम प्राइम इज एट रेस्ट एंड मूव्ड बाय पुशिंग इट। बेबी प्राइम जिसमें आप देखते होंगे कि छोटी सी ट्रॉली होती है, बच्चों को लेके हम लोग कैरी करके चलते हैं, क्या है वो बेबी प्राइम रुका हुआ है और आपने पुश किया और वो मूव कर गया। तो यहाँ पर पुश फोर्स का आपने यूज किया और वो एट रेस्ट था, रुका हुआ था तो मूव कर गया, ओके। स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, पुश का फोर्स यूज किया आपने, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा, अ फुटबॉल इज ऑन द ग्राउंड एट रेस्ट एंड इज किक्ड बाय अ प्लेयर। फुटबॉल एक ग्राउंड में रखा हुआ है, एट रेस्ट पोजीशन पे है, किक किया, किक किया तो किक भी कौन सा फोर्स है, किक भी एक पुश का फोर्स है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स जिसमें हम चीजों को फोर्स देके अपने से दूर करते हैं, ओके। तो किक मार के भी हम बॉल को अपने से दूर कर रहे हैं, तो ये भी एक पुश का फोर्स है। अब हमने जब किक किया तब क्या हुआ, जो बॉल रुकी हुई थी अब वो मूव कर गई, तो यहां पर भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ ऑब्जेक्ट का और हमने पुश का फोर्स यूज किया। अब इसी तरीके से पुल के एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पुल फोर्स, हॉर्स पुल्स द कार्ट एंड चेंजेस इट्स मोशन। जो घोड़ा है, हॉर्स है, हॉर्स का क्या कर रहा है, एक कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है उसको, और उसके मोशन में चेंज हो रहा है। अगर वो रुका हुआ था तो चलने लगा है, चल भी रहा था तो हॉर्स थोड़ी और तेज से खींचने लगा तो उसकी स्पीड बढ़ गई या घट गई। तो यहाँ पर पुल फोर्स का यूज हो रहा है और मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से पुलिंग द बकेट टाइड विद अ रोप टू फेच द वाटर फ्रॉम वेल। एक बकेट जो रस्सी से बंधी हुई है उसके थ्रू हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, उसमें कौन सा फोर्स यूज कर रहे हैं, हम उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, और उस पुल करने से क्या हो रहा है, बकेट जो है जहां पर भी थी उस लेवल से ऊपर की ओर आ रही है, मींस बकेट का स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है और हम पुलिंग फोर्स के थ्रू इसको कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आप पुश पुल और चेंज द स्टेट ऑफ मोशन इसको समझ गए होंगे तो, ओके। क्वेश्चन नंबर टू, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फोर्स के थ्रू, कौन कौन से फोर्स, पुश या पुल के फोर्स के थ्रू हमने स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया था। इसके अलावा फोर्स के थ्रू और क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज होता है कई बार। तो अब हमें अप्लाइड फोर्स के थ्रू शेप चेंज करना है ऑब्जेक्ट का, इसके एग्जांपल्स देखते हैं क्या हो सकते हैं। टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर, शेप ऑफ क्ले कैन बी चेंज बाय पुटिंग अ स्मॉल फोर्स बाय हैंड। क्ले से बहुत सारे आपने टॉयज बनाए होंगे, क्ले के साथ खेला भी होगा। क्या होता है, क्ले काफी सॉफ्ट होता है, आप जैसे ही अपने हाथ से हल्का सा भी फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, और आप जैसा भी टॉय बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं, वैसा शेप उससे बनाते हैं। यहाँ पर हम फोर्स के थ्रू शेप चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का।
दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? शेप ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल और पेपर बॉल कैन बी चेंज बाय पुटिंग प्रेशर बाय हैंड। इसी तरीके से एल्युमिनियम फॉयल है, एल्युमिनियम फॉयल को आप एक साथ पूरा हाथ से इकट्ठा करके वो प्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। या एक सिंपल पेपर की बॉल बना ली और हाथ से कस के प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम फोर्स के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करने की कोशिश करें। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू एट द रोप। वाटर हमें वेल से निकालना है, रोप पे हमें कौन सा फोर्स लगाना पड़ेगा, पुल फोर्स। पुल में हम अपनी तरफ चीजों को खींचते हैं। बी, अ चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ओके, और ये एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, एक लोडेड ट्रॉली है उसको मूव कराने के लिए हमें पुश करना पड़ेगा, उसको हम पुश करेंगे धक्का देंगे तो वो ट्रॉली आगे की तरफ बढ़ जाएगी। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, अनदर मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साथ क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। सेम पोल्स रिपेल्स एंड डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट्स इन मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर फोर, एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम टू द टारगेट, एट द टारगेट शी देन रिलीजेस द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। एक स्टेटमेंट ये है कि एक आर्चर है, उसने अपने बो को स्ट्रेच किया खूब ज्यादा सा और उसके बाद टारगेट की तरफ एम करके एरो को छोड़ दिया। अब एरो जो है टारगेट की ओर जा रहा है। इस सिचुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और उनको आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये क्या है, टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। आर्चर क्या कर रहा है, बो को स्ट्रेच कर रहा है, स्ट्रेच करने के लिए एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्स अप्लाई करने से क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इसका जो बो है उसका शेप चेंज हो रहा है, वो खींच रहा है। ओके, और उसका शेप चेंज हो रहा है। बी, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ, कौन सा फोर्स है जो आर्चर अप्लाई कर रहा है, दैट इज अ मस्कुलर फोर्स। क्यों, क्योंकि वो अपनी मसल्स के थ्रू उसको स्ट्रेच कर रहा है, उसको खींच रहा है। ओके, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉन्टेक्ट फोर्स। देखिए कौन सा फोर्स इसमें है जिस वजह से एरो का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ मोशन कैसे चेंज हो रहा है, वो स्टैंड स्टिल था, रुका हुआ था एरो, उसने मस्कुलर फोर्स के थ्रू उसको कस के खींचा और जैसे ही रिलीज किया तो वो एरो आगे की तरफ मूव कर गया। यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्टेक्ट फोर्स हमारे मसल्स के थ्रू उस एरो में ट्रांसफर हुआ और वो एरो आगे की तरफ मूव कर गया। While the arrow moves towards its target, the forces acting on it are due to. देखिए जब एरो बो से निकल गया तब क्या हुआ कि मसल्स के थ्रू एक फोर्स ट्रांसफर हो गया एरो में। अब एरो चल दिया एम की तरफ, तब उस एरो के ऊपर कुछ और भी फोर्सेस लग रहे हैं, उस एरो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक तो ग्रेविटी है, दूसरा फ्रिक्शन है। ये एक एरो है, जब एरो अपने एम की तरफ जा रहा है तब क्या होगा, एक तो नीचे अर्थ है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसकी वजह से उस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ओके, दूसरा क्या हो रहा है, एरो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है और रास्ते में क्या है, एयर है, और एयर की वजह से इस पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ये फ्रिक्शन फोर्स भी इस एरो के अगेंस्ट लग रहा है। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इस एरो पे, एक तो ग्रेविटी जो इसको टुवर्ड्स नीचे की तरफ खींच रही है, एक फ्रिक्शन फोर्स जो हमेशा मोशन के अपोजिट होता है, मोशन एरो का इस साइड है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इसके अपोजिट इस साइड लग रहा है और इसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एग्जर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इट एक्ट्स स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। चलिए एक एक करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। पहली सिचुएशन क्या है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक लेमन को हम अपने फिंगर के थ्रू स्क्वीज कर रहे हैं और उसका जूस निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब इसमें आपको तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, जो फोर्स डाल रहा है वो एजेंट क्या है, और ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है दूसरा ये, और तीसरा कि क्या चेंजेस हो रहा है। ओके, तो एक एक चीज देखते हैं। इसमें एजेंट क्या है जो फोर्स डाल रहा है, कौन फोर्स डाल रहा है लेमन के ऊपर, जो हमारी फिंगर्स हैं। ऑब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, यहां पर फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, लेमन के ऊपर, तो लेमन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इफेक्ट क्या हो रहा है इस फोर्स का, इस फोर्स का इफेक्ट यह है कि एक तो शेप चेंज हो रहा है, शेप ऑफ लेमन चेंज एंड जूस इज एक्सट्रैक्टेड। लेमन का से हम जूस भी एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं और उस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, लेमन का शेप चेंज हो जा रहा है। ओके, तो ये देखते हैं। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, देखते हैं फिगर में क्या है, टूथपेस्ट का एक ट्यूब है उससे हम पेस्ट निकाल रहे हैं। इसमें एजेंट क्या है, कौन फोर्स डाल रहा है, हमारी फिंगर्स फोर्स डाल रही हैं। किस पे फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो टूथपेस्ट का ट्यूब है दैट इज ऑब्जेक्ट। रिजल्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब चेंज एंड टूथपेस्ट इज एक्सट्रैक्टेड। एक तो जो ट्यूब है उसका आपने शेप चेंज कर दिया और क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, जो उसके अंदर टूथपेस्ट है वो बाहर निकल के आ रहा है। ओके, ये हमारा इफेक्ट है फोर्स का। सी, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वायलेट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स्ड टू अ वॉल। एक लोड जो है वो स्प्रिंग से लटक रहा है। पहले तो इसको फिगर के थ्रू समझिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए ये वॉल है अगर, और उसके थ्रू ये स्प्रिंग है। अब इसी स्प्रिंग में हमने नीचे यहां पर एक लोड लटका दिया। ओके, तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जब नॉर्मल थी स्प्रिंग तब इस पोजीशन में थी, जब लोड लगा दिया तब क्या हो गया, स्प्रिंग थोड़ी सी एलोंगेट हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। अब यहां हमें देखना है एजेंट क्या है, एजेंट क्या है, लोड किसके थ्रू, प्रेशर किसके थ्रू लग रहा है, लोड के थ्रू लग रहा है। किसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज स्प्रिंग। ओके, अब बताइए यहां पर इफेक्ट क्या हो रहा है फोर्स का, फोर्स का इफेक्ट यह है एलोंगेशन कैन बी सीन इन स्प्रिंग एज अ रिजल्ट चेंज इन शेप। क्या हो रहा है देखिए, आपको देख के पता चल रहा है, एक तो स्प्रिंग जो है एलोंगेट हो जा रही है और थोड़ा उसका शेप चेंज हो जा रहा है, शेप में क्या हो रहा है, उसकी लेंथ बढ़ गई। ओके, तो ये हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स है। डी, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। एक एथलीट है वो क्या कर रहा है, हाई जंप कर रहा है। देखिए दौड़ता हुआ आया और एक ये जो बार लगी हुई है इसको क्रॉस करना है, इसके लिए हाई जंप कर रहा है। अब इसमें एजेंट क्या है, फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लगा रहे हैं मसल्स ऑफ एथलीट, एथलीट की जो मसल्स हैं वो पूरा मस्कुलर फोर्स लगा रही हैं। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बॉडी एथलीट की, क्यों, क्योंकि वो सारा फोर्स अब बॉडी पे लगा और बॉडी को उसने क्या किया, जमीन से इतना ऊंचा पुश किया कि वो जो बार है उसको क्रॉस कर जाए, हाई जंप कर ले। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बॉडी ऑफ एथलीट है, इसके ऊपर ये सारा फोर्स लगा, फोर्स किसने लगाया, मसल्स ने लगाया। इफेक्ट क्या हुआ इसका, हाई जंप कैन बी सीन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन मोशन। क्या हुआ, मोशन चेंज हुआ, जहां भी वो खड़ा था वहां से मसल्स फोर्स लगानी शुरू किए, दौड़ना शुरू किया, दौड़ते दौड़ते उसने क्या किया, एक लंबी सी जंप ली, और ये ही इसके इफेक्ट है फोर्स का कि हाई जंप आपको देखने को मिलेगी जिससे मोशन चेंज हो रहा है और वो स्पीड भी अपनी बढ़ा रहा है और जंप भी ले रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग
अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। एक ब्लैक स्मिथ क्या है, गरम लोहे के ऊपर हैमर से उसके ऊपर में जो है प्रेस कर रहा है, मार रहा है, चोट मार रहा है, तो अब उसके पीस के ऊपर, आयरन पीस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं क्या है। देखिए इस तरीके का ब्लैक स्मिथ जो करते हैं, क्या करते हैं, एकदम रेड हॉट करते हैं आयरन को, और उसके बाद जो है हैमर से उसके ऊपर जो है फोर्स डालते हैं। क्यों डालते हैं, एज द आयरन इज हॉट द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कैन चेंज द शेप ऑफ द आयरन इजिली। जब आयरन रेड हॉट हो जाता है तब उसको हथौड़े से पीट के उसके शेप को बहुत ही इजिली चेंज किया जा सकता है, इसीलिए उसको रेड हॉट करते हैं पहले। यूजिंग द हैमरिंग अ ब्लैक स्मिथ कैन मेक अ टूल ऑफ द डिजायर शेप। हैमरिंग के थ्रू वो क्या कर रहा है, जो ये आयरन का पीस है उसको उसके शेप को चेंज कर रहा है, और उसको जैसा भी टूल बनाना है, सपोज एक नाइफ बनाना है या कोई और टूल बनाना है, तो इस तरीके से उसको रेड हॉट करके हैमर से पीट पीट के जो है अपने डिजायर्ड शेप में लेके आएगा। तो इसके थ्रू वो क्या कर रहा है, इस आयरन पीस का शेप चेंज कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। एन इन्फ्लेटेड बैलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ। इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक्स टू द वॉल। What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? Answer देखते हैं, फिर question भी समझाऊंगा, answer भी समझाऊंगा। पहले यहाँ figure से समझते हैं हुआ क्या है इसमें, actually question में क्या बोल रहा है। ये एक balloon है, उसको क्या किया कि एक जो आपका cloth है, उस cloth से इसको rub किया थोड़ी देर तक। रब करने के बाद क्या किया कि इस बलून को वॉल से चिपका दिया, थोड़ा सा प्रेशर लगाया, दबा दिया, फिर क्या देखा कि ये बलून इस दीवार के साथ चिपक गया। जैसे आप नॉर्मली अगर बलून दीवार के साथ उसको चिपकाने जाएंगे तो नहीं चिपकेगा, शायद आपको टेप या कुछ और लगाना पड़ेगा। अब इसने केवल जो है कपड़े से इसको रब किया और दीवार के से थोड़ा सा लगाया और वो दीवार के साथ चिपक गया। तो ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं क्या हुआ। An inflated balloon acquires an electrostatic charge after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. जब synthetic cloth से हम उसको रगड़ रहे थे बलून को, तब क्या हुआ, बलून में एक electrostatic charge develop हो गया। Means अब बलून एक charged body है, charged object है। Okay, और wall क्या है, the wall is an uncharged body. वॉल पे कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तब क्या होगा, व्हेन वी प्रेस दिस बलून अगेंस्ट द वॉल, द चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स द अनचार्ज्ड बॉडी एंड द बलून स्टिक्स टू द वॉल। बलून चार्ज हो गया है और वॉल अनचार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने हल्का सा प्रेशर दिया और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वहां पर क्या होगा, बलून वॉल के साथ स्टिक हो जाएगा। किस वजह से हो रहा है, रीजन क्या है, मेन रीजन जो लास्ट लाइन है वो जरूर लिखनी है आपको आंसर में, यही पूछा गया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। क्वेश्चन क्या था, व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। तो ये क्वेश्चन था, इसका मेन आंसर आपका यहीं पर है, उसके ऊपर तो आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आपको याद रहेगा तो उसको भी लिख दीजिएगा, आंसर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर ऊपर का भूल जाते हैं तो नीचे वाली लाइन तो लिखना ही है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज हुआ है बलून। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल। क्वेश्चन नंबर 8। नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। चलिए इसको भी इसी तरीके से समझते हैं। एक बकेट है जिसमें वाटर भरा हुआ है और उस बकेट को हम हाथ से उठा करके खड़े हुए हैं ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर। अब इस बकेट के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो इसके मोशन में कोई चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं। तो
देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन दिस प्लास्टिक बकेट। इस प्लास्टिक बकेट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से? पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स द बकेट टुवर्ड्स ग्राउंड। कोई भी चीज है, हर चीज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो पहला तो सबसे पहला यही हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। दूसरा फोर्स फिर कौन सा लग रहा है? मस्कुलर फोर्स दैट वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड केप द बकेट होल्ड। दूसरा मस्कुलर फोर्स है, हमने अपने हाथों में उसको लटका के रखा हुआ है ना, तो हमारी मसल्स के थ्रू एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो बकेट हम होल्ड किए हुए हैं, और ये मस्कुलर फोर्स इसको ऊपर की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। अब क्या पूछा गया है कि जो भी फोर्स लग रहे हैं उनकी वजह से इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, उसको क्या लिखेंगे? एज बोथ द फोर्सेस वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज जीरो, सो द बकेट डज नॉट शो एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, मस्कुलर फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल फोर्सेस हैं, तो नेट फोर्स जो लग रहा है बकेट के ऊपर वो जीरो है, इसलिए उसके मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं है। यहां से समझिए, ये बकेट है, इसमें वाटर भरा हुआ है, नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ऊपर की ओर चूंकि हम उसको हैंड से होल्ड किए हुए हैं तो मस्कुलर फोर्स लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हैं, ओके, और दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, इसलिए इस बकेट के ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहा है? जीरो, ओके, इस वजह से इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये बकेट अपनी जगह पे होल्ड है। अगर हम थोड़ा सा भी मस्कुलर फोर्स ज्यादा कर देंगे तब क्या होगा? बकेट हम ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट और ऊपर उठा रहे हैं बकेट को, तब हमें मस्कुलर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। एक रॉकेट को लॉन्च किया गया और लॉन्च होते ही उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लगने शुरू हो जाएंगे वो बताने हैं। When the rocket fired, two forces acted on it immediately after leaving the launching pad. कौन-कौन से? ये तो रट ही लीजिए, हर चीज के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ फ्रिक्शनल, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है सब में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ये भी रट लीजिए। अब रॉकेट क्या है? रॉकेट जैसे ही लॉन्च हुआ तो मूव करना शुरू कर दिया, तो जो भी एटमॉस्फेयर में एयर है वो एयर क्या है, इसके ऊपर में एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, इस रॉकेट को रोकने की कोशिश करेगी, मींस एक फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ग्रेविटी के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो कौन से दो फोर्सेज इस पे काम करेंगे? पहला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, When we press the bulb of a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to pressure of water, gravity of the earth, shape of rubber bulb, and atmospheric pressure. इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग। ये देखिए, इस तरीके का एक ड्रॉपर होता है जिसमें इसका ये जो बल्ब है जिसको हम बोल रहे हैं कि ये रबर का है, इसको हम प्रेस कर सकते हैं। जब हम प्रेस करते हैं तब क्या होता है, सपोज इस बॉटल के अंदर में वाटर या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है और ये ड्रॉपर की टिप जो है इस लिक्विड के अंदर डिप है, ओके। अब जब हम ऊपर से प्रेस करेंगे, यहां से जब हम प्रेस करते हैं तब क्या होता है, आपको ड्रॉपर के पॉइंट से एयर जो है बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती हुई दिखती है, ओके, ये चीज आपने देखी होगी। यही हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, वंस वी रिलीज द प्रेशर, जब हम ये प्रेशर रिलीज करते हैं, यहां पर जो प्रेशर लगाया हुआ है जब इसको रिलीज करेंगे तब क्या होता है, ये जो लिक्विड बॉटल के अंदर भरा हुआ है ये इस ड्रॉपर में भर जाता है एक लेवल तक, ओके।
अब इस ड्रॉपर के अंदर ये लिक्विड क्यों भरा, इसके पीछे क्या रीजन है? पहला रीजन क्या हो सकता है? प्रेशर ऑफ वाटर, या ग्रेविटी ऑफ दी अर्थ, या शेप ऑफ रबर बल्ब है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? तो इसका सही आंसर जो है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये कैसे वर्क कर रहा है ये मैं समझाता हूँ आपको। जब हम यहाँ पर प्रेशर डाल रहे थे और एयर बाहर रिलीज हुई, ओके, उसके बाद क्या हुआ कि इस ड्रॉपर के अंदर कोई एयर नहीं है, मीन्स यहाँ क्या है, यहाँ एक तरीके से वैक्यूम हो गया और प्रेशर लो है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हर जगह पर एयर एक प्रेशर लगाए रखती है। जो ये लिक्विड है, इस लिक्विड पे भी एयर का एक प्रेशर है, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे ही इस रबर के ऊपर से हम प्रेशर हटाएंगे, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ये लिक्विड प्रेस होगा और इस ड्रॉपर के अंदर आ जाएगा, और एक सर्टेन लेवल तक ये इसमें ड्रॉपर में आपके लिक्विड या वाटर फिल हो जाएगा। ओके, तो इसके पीछे रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।